यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं पंजाब से चलकर हरियाणा के रास्ते राजधानी दिल्ली में किसानों के कूच को लेकर हरियाणा पुलिस काफी एक्टिव नजर आई है। जिन जिले में पंजाब से लगते खनोरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड साथ ही आंसू गैस का इंतजाम किया गया है। मौके पर जिला उपायुक्त और साथ ही SP भी पहुंच चुके हैं। ये किसान राजधानी दिल्ली में अन्ना हजारे के किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसी दौरान दिल्ली में संसद का घेराव भी किया जाना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, कैसी तैयारी की गई है, किस तरह से हरियाणा पुलिस अलर्ट नजर आई है कि हरियाणा से होकर ये लोग दिल्ली ना पहुंचे। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारियां की थी और उसी की एक वानगी आप देख सकते हैं। जिला उपायुक्त पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। गुलशन चावला हमारे संवाददाता नरवाना से फोन लाइन पर हैं। गुलशन, कैसी तैयारियां ये की गई हैं कि राजधानी दिल्ली तक पंजाब के किसान ना पहुंचे? जी ज्योति, बिल्कुल, जो पंजाब के किसान हैं वो दिल्ली संसद का घेराव करने के लिए और अन्ना हजारे के आंदोलन में शिरकत करने के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। और जैसे ही इसकी सूचना हरियाणा पुलिस को मिली, और जो हरियाणा में जो नरवाना पड़ता है वो पंजाब बॉर्डर पड़ता है, तो जो नरवाना का खनोरी बॉर्डर है जो पंजाब और हरियाणा की सीमा को जोड़ता है, वहां पर पुलिस बल काफी संख्या में तैनात कर दिया गया है और 6 कंपनियां बुलाई गई हैं जो स्पेशल तौर पर पूरी तरह हाई अलर्ट कर दिया गया है। आने वाले जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और नाकेबंदी लगा दी गई है और DC और SP वहां मौके पर मौजूद है। DSP कुलवंत बिश्नोई भी वहां पर मौके पर मौजूद है। गढ़ी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह कानून की व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो पंजाब से हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं उनको रोका जाएगा, उनसे मीटिंग की जाएगी, लेकिन किसी भी हालत में उनको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और वहां पर उनको रोकने के लिए फायर ब्रिगेड, दमकल विभाग की गाड़ियां हैं और आंसू गैस की जो गाड़ी है वो पूरा इंतजाम किए गए हैं। जी गुलशन, पुलिस की अपनी तैयारियां हैं, क्या किसानों का पहुंचना अभी शुरू हो चुका है नरवाना में? जी बिल्कुल, अभी नरवाना तो नहीं पहुंचे लेकिन वो पंजाब के पातला से रवाना हो चुके हैं और जो लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, 20 किलोमीटर का रास्ता, वो तय हो चुका है। और जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर भरकर चल चुके हैं, हजारों की संख्या में तैनात हैं। और जो किसान, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है और जो किसान की कुछ मांगे हैं वो उन्हें मनवा कर रहेंगे और वो दिल्ली संसद का घेराव करके रहेंगे। पुलिस की ओर से कोई कारण बताया गया, क्योंकि पंजाब के अगर किसान हैं, पंजाब पुलिस रोके उनको, हरियाणा में एंटर ना करने दे, हरियाणा पुलिस पंजाब के किसानों को रोक रही है, क्या उसके पीछे कोई कारण बताया गया पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस बारे में कुछ साफ तौर पर कहने से मना कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की लापरवाही ही कहेगी या कहीं सहमति कहेंगे कि वो पंजाब से रवाना हो चुके, उनको वहां रोका नहीं जा रहा, वो पंजाब के पातड़ा से चल चुकी हैं और जो लगभग कुछ किलोमीटर का ही रास्ता रहता है, अगर पंजाब पुलिस खनौरी तक उनके रोक लेती है, रोकने में सफल हो जाती है तो हरियाणा पुलिस की मुश्किलें कम हो सकती है। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है फिर भी पूरी तरह अलर्ट है, वो जो बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर है वहां पर पूरी हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की मंशा, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं तालमेल बिठाया हुआ है कि जो संसद का घेराव ना करने जाने दिए किसी भी सूरत में उनको जो बॉर्डर पर है रोक लिया जाए। अगर वो हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अपने आप में सवाल जरूर उठता है कि हरियाणा के किसान और पूरे ही देश के किसानों को जब दिल्ली पहुंचना था, दिल्ली कूच करना था, 23 फरवरी की बात कर ले, तब भी हरियाणा पुलिस की ओर से रोका गया था, दिल्ली पुलिस ने नहीं रोका था। अब जब पंजाब के किसान दिल्ली जाने की कोशिशें कर रहे हैं, उस वक्त भी हरियाणा पुलिस उनको रोकने की कोशिशें कर रही है, तो किसानों के आंदोलन को रोकने की इतनी बड़ी नौबत कैसे आ जाती है? क्या सरकार की मंशा नहीं कि किसान अपनी बात राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचाएं, फिर हरियाणा के किसान हो या फिर पंजाब के किसानों की बात कर ली जाए? तो नरवाना से तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि पंजाब के किसान आए दिल्ली जाने को और हम उनको रोकें।